मनोज सिंह टाइगर जी से एक प्रतिक्रिया हम जरूर लेंगे। सर आजमगढ़ क्या बोल रहा है? आजमगढ़ बोल रहा है कि इस बार कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। इस समय इस बार सिर्फ निरहुआ है और निरहुआ के होने की वजह है क्योंकि किसी ने काम नहीं किया आज तक, सिर्फ जाति नाम के जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर सिर्फ लड़ाया है। आज हमारे साथ अय्याज खान साहब हैं, ये भी मुसलमान भाई हमारा, लेकिन इसको पता है कि जात पर न धर्म पर वोट चाहिए विकास के नाम। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आजमगढ़ अपना मूड बना चुका है, बिल्कुल बिल्कुल, और निरहुआ जीत रहा है। निरहुआ जीतेंगे तो क्या कुछ नया होगा आजमगढ़ में? देखिए नया तो बहुत कुछ होगा, मैं तो ये नहीं कहता कि डेढ़ दो साल में हम आजमगढ़ को लंदन बना देंगे या दुबई बना देंगे, लेकिन वो दो साल पांच साल पर भारी रहेगा और दो साल में हम ये बता देंगे कि हमारी नीयत क्या है हमारे जिला के लिए। मतलब कह सकते हैं कि कथनी और करनी में फर्क नहीं है? नहीं है सर, जब हारने के बाद वो आजमगढ़ नहीं छोड़ा तो जीतने के बाद छोड़ेगा क्या? क्या बात है।